हेलो फ्रेंड्स, मधुलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। देखिए इसे बनाने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। पाव भाजी बनाने के लिए हमने ये 3 पोटैटो लिए हैं, 250 ग्राम से कॉलीफ्लावर है, 2 कैप्सिकम है, 3 टमेटो हैं और 2 ऑनियन है जो कट किया हुआ है, गाजर है, 2 गाजर है उनको कट किया हुआ है और ये फ्रोजन मटर लिया हुआ है हमने। अगर फ्रोजन नहीं है तो आप सिंपल मटर भी ले सकते हैं, अगर सिंपल भी नहीं है तो आप ड्राई मटर भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनको बॉईल करने रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 2 स्पून ऑयल, डाला है, इसमें हम डालेंगे जीरा, 1 स्पून जीरा, थोड़ी सी हमने इसमें डाली है अजवाइन, थोड़ी सी 1/2 स्पून जीरे के साथ, अब थोड़ा सा अच्छे से सब गरम हो जाए ऑयल। ये हमारा जीरा तड़क गया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, इसको थोड़ा सॉटे करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम पोटैटो बॉईल करने के लिए। हमने पोटैटो डाला, कॉलीफ्लावर, शिमला मिर्च, टमेटो, गाजर, ऑनियन और ये ग्रीन मटर, फ्रोजन मटर है वो यूज किया हमने। इसको मिक्स करके इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, 1 स्पून सॉल्ट डाल के पानी हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, इतने ही पानी डालेंगे कि ये थोड़ा उसमें गल जाए अच्छे से। इसको हम बॉईल करने रखेंगे 5 सीटी आने तक। अभी कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम ग्रेवी तैयार करते हैं। आपको अगर पाव भाजी में बिल्कुल बाजार जैसा कलर लाना है तो इसमें आप बीटरूट भी डाल सकते हैं बॉईल करने में, और बीटरूट भी नहीं है तो आप उसमें फ्रूट कलर आता है वो भी डाल सकते हैं, पर मैंने ना बीटरूट यूज़ किया है ना फ्रूट कलर। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तो पाव भाजी बटर में ही बनती है पर हम थोड़ा सा ऑयल यूज़ करते हैं, इससे बटर अच्छे से मेल्ट होता है, उसमें थोड़ा सा डालेंगे 1 स्पून, ठीक है 1 स्पून इसलिए डाला कि बटर अच्छे से उसमें मिक्स हो जाता है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे बटर,
2 स्पून करीब हमने बटर डाला है। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गैस फुल किया है। अभी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो इसमें हम डालेंगे जीरा। ये 1 स्पून के करीब जीरा है। बटर में हमने जीरा डाल दिया। जिंजर पेस्ट, इसमें हम डालेंगे ऑनियन। ये हमने चॉपर से क्रश किया हुआ है, 2 ऑनियन है तो चॉपर से किया हुआ है। इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम कैप्सिकम डालेंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर चॉपर से मैंने इसलिए किया कि थोड़ा सा मोटा रहता है तो पाव भाजी में अच्छा लगता है खाने में। अभी इसमें हम डालेंगे 2 कैप्सिकम, वो भी चॉपर से चॉप किया हुआ है। अभी इसमें डालेंगे हम टमेटो, 2 टमेटो हैं, इसको भी चॉपर से किया हुआ है। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च कट करके रखिए। थोड़ा सा पानी डाल के जिससे कि ये अच्छे से गल जाए भाजी, इसको हम कवर कर देंगे। जस्ट इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे जिससे कि भाजी पक जाए। हम चेक करते हैं, थोड़ा सा भाजी हमारा गल गया, भी मसाला डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 स्पून हल्दी। गरम मसाला 1/2 स्पून। ये हमने कस्तूरी रेड चिली लिया है, रेड चिली पाउडर कस्तूरी, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये 2 चम्मच डाला हमने। धनिया पाउडर 2 स्पून। ये पाव भाजी मसाला 1.5 स्पून। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, उससे बिल्कुल बाजार की पाव भाजी होती है ना ऐसा कलर दिखता है, पर मैंने कोई नहीं यूज़ किया है कुछ भी। आप बीटरूट भी डाल सकते हैं, बीटरूट का जूस। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया कस्तूरी रेड मिर्च से।
और इसमें अच्छा कलर लाने के लिए हमने क्या करी, केचप लिया, हाफ स्पून केचप लिया है। इसमें रेड चिल्ली फ्लेक्स है, वो मिक्स किया उसमें, मिक्स मिक्स करके हम उसमें डाल देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है मेथी का। हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। अच्छे से मिक्स करना है, 5 मिनट लगते हैं इसको मिक्स करने में, मसाले होने में, जब तक ये अपना थोड़ा बटर इसका अलग से ना दिखने लगे। अभी ये मसाले को 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, इससे अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम कुकर देखते हैं अपना, ये हमारी भाजी हो गई तैयार। इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे हम, इसको मैश करेंगे हम अच्छे से। मैंने इसे बीटरूट नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, और भी वेजिटेबल्स, बीन वगैरह डालना है, बीन्स वो भी आप डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं चाहें तो। ये अच्छे से मिक्स हो गई भाजी हमारी। इधर ये भाजी भी हो गई है, हम डाल देंगे। इसमें अभी हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि यह हमने बॉईल करके रखा था, उस टाइम पे थोड़ा सॉल्ट डाला था, तो थोड़ा सा डालेंगे, हाफ स्पून करीब। फिर टेस्ट के अनुसार डाल लेना, अगर आपको कम लगता है तो और डाल लेना। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए अगर पतला करना है थोड़ा, वैसे तो बराबर कंसिस्टेंसी है। इसमें हम डालेंगे धनिया, दो नींबू को नींबू निचोड़ देंगे, मैंने 1.5 नींबू लिया है, 1.5। भाजी को जितना हम मिक्स करेंगे ना उतनी अच्छी बनेगी। इसको बनने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे अभी, क्योंकि अभी फिर से हम इसको मैश करेंगे जिससे एकदम से वो मिक्स हो जाए।
जब तक इसे बॉईल नहीं आते दो तीन, तब तक हम मिक्स करते रहेंगे। हमारी भाजी रेडी हो गई, इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे ऊपर से। थोड़ा सा हरा धनिया, भाजी रेडी। अभी हम इसको साइड में रख के पाव सेकते हैं। इसमें हम थोड़ा बटर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। जब तक हम डिश तैयार कर लेते हैं, ये हमारे कितने बढ़िया पाव रेडी हो गए हैं। ये ऑनियन है पाव, इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से ऑनियन डालेंगे, थोड़ा सा धनिया, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हम चीज भी डालते हैं। हमारी पाव भाजी रेडी हो गई, थोड़ा सा बटर डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।